तो हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, एकदम न्यू एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से आप 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप इस लिमिट को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं, और जिसका इंटरेस्ट आपको बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको जो टाइम मिलेगा पूरे 90 डेज का आपको टाइम मिलेगा और स्टार्टिंग पे लिमिट आपको पूरे 10,000 रुपए की यहाँ पे मिल जाएगी। एकदम न्यू एप्लीकेशन है। अगर आपको भी पैसों की यहाँ पे इमरजेंसी पड़ चुकी है और काफी सारे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि जब भी कोई न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे लोन होती है, काफी अच्छी एप्लीकेशन है, तो उसमें आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 100% आपको इस एप्लीकेशन पे यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का जो लोन है तो लाइव प्रूफ अप्लाई भी करूंगा, अपने बैंक खाते में आपको लेके भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगने वाले, तो सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में पे बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तरीके पे देखना। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर पे, इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे आ गया हूँ। तो एप्लीकेशन को मैंने अभी ब्लर कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन का नाम देख के लोन के लिए अप्लाई करते हैं, और जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं मालूम होता और इंस्टेंट उनका लोन वहाँ पे डिक्लेन हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को जल्दी से यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। तो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको ओपन वाले ऑप्शन आपको टैप कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन आपको टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू वाला, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने व्हाट्सअप नंबर को डाल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन आपको टैप कर देना। तब आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पे एक ओटीपी आ जाएगा, जो ओटीपी आएगा आपके व्हाट्सअप यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो व्हाट्सअप पे मेरे ओटीपी आया उसको मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे फिल कर। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर को यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन पे आप लोन यहाँ पे कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो जब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ एक अल्टीमेट नंबर यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अल्टीमेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आना, आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो भी आपके पास ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो भी आप काम करते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आपको जो भी काम करते हैं वो आपको डाल देना है। आपको मंथली इनकम यहाँ पे डाल देना है, जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो इनकम आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे 25,000 की इनकम है, अगर आपको 30,000 की इनकम है, कम से कम आपको 25,000 की इनकम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पे चेक यूजर एलिजिबिलिटी, आपको चेक यूर एलिजिबिलिटी वाले आपको टैप कर देना। तो जैसे आप इस पे टैग करेंगे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है, जो भी है 16 डिजिट का, वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन आपको टैप कर देना है। जब आप सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके अब आधार कार्ड नंबर यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर दे। तो जैसे आप ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे आपको यहाँ पे पूरी लिमिट यहाँ पे दिखा दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है तो पूरे 10,000 रुपये की मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुका है, जिसका टाइम मुझे 90 डेज का यहाँ पे मिलने वाला है। और नीचे की तरफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको जो लिमिट मिलेगी 10,000 से लेकर पूरे 1,00,000 रुपये की आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है यूर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू, जो एप्लीकेशन अभी अंडर रिव्यू यहाँ पे जा चुकी है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूर प्रोफाइल हैज़ बीन सबमिट, जो मैंने अपनी प्रोफाइल जो उसको सबमिट कर दिया, विल बी रिसीव्ड बाय ऑफ टीम। तो यहाँ पे जो इनकी टीम है वो जो मेरे डॉक्यूमेंट है उसका पे चेक कर रही है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कितने का आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी कमाल की एप्लीकेशन है, एक न्यू एप्लीकेशन है। अब मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन पे अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगने वाले। तो सबसे पहले तो आप इसकी रेटिंग को चेक कर सकते हैं, आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे 3.7 की इसकी रेटिंग है और जिसके डाउनलोड यहाँ पे 1K, यहाँ पे अभी तक इसके 1K प्लस इसके डाउनलोड हुए हैं, क्योंकि 1,000 डाउनलोड है, एकदम न्यू एप्लीकेशन है। तो आपको पता होगा कोई भी न्यू एप्लीकेशन जब मार्केट में आती है तो काफी जल्दी से वहां का लोन भी वहां पे प्रोवाइड करती है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पे देने पड़ेंगे। आपको अबाउट में यहां पे आ जाना है। तो जैसे आप यहां पे अबाउट पे आएंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एप्लीकेशन आरबीआई से अप्रूव्ड है नहीं है। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है क्विक पर्सनल लोन एप्लीकेशन यहां पे लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको आगे चल के सारी डिटेल आपको यहां पे बता दूंगा। तो यहां पे 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए का आपको लोन मिल जाएगा और यहां पे काफी फास्ट एप्लीकेशन है। जैसे आप यहां पे लोन अप्लाई करेंगे तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, डायरेक्ट जो लोन है आपके बैंक खाते में आपको यहां पे ट्रांसफर कर दे।
दिया जाएगा। तो 10,000 से लेकर 1,00,000 का लोन मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट रेट आपको 0% से लेकर 4% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे लगने वाला है। आपको जो टाइम मिलेगा 90 दिन से लेकर 180 दिन का यहाँ पे टाइम आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर करना, तो यहाँ पे आप अच्छे से आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और थोड़ा सा ऊपर की तरह आ जाना, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी NBFC को यहाँ पे मेंशन कर रखा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है लोन एयर द गिवन यूर द बाई RBI रजिस्टर्ड NBFC महावीरा फाइनेंशियल लिमिटेड। यहाँ पे इसको जो प्रोवाइड कर रहा है जो इसका NBFC है, NBFC महावीरा फाइनेंशियल लिमिटेड, इसका पे प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से यहाँ पे रीड भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे के डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, और सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, और लेटर ऑफ द सैलरी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको आधार कार्ड देने, एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है, उसके बाद आपको वोटर ID भी देनी पड़ सकती है, उसके बाद आपको पैन कार्ड देना है, KYC डिटेल आपको फिल करनी है। इंस्टेंट आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन यहाँ पे सिर्फ एक सैलरी पर्सन के लिए वर्क कर रही है। अगर आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में आती है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस एप्लीकेशन पे अगर आप एक सेल्फ अपलेट है तो वहाँ पे लोन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सेल्फ अपलेट है तो उस केस में हो सकता है कि आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन ना मिले। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो उस केस में हो सकता है कि आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे बताया कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन, अभी मैं आपको इसकी रेटिंग भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी थोड़ा ऊपर करके आपको इसकी रेटिंग यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 3.7 की इसकी रेटिंग है, जिसका 3.7 की रेटिंग है, और यहाँ पे भी 5-स्टार की रेटिंग है, यहाँ पे भी 5-स्टार की रेटिंग है, यहाँ पे थोड़ी 1-स्टार की यहाँ पे रेटिंग है। तो यहाँ पे आपको भी अच्छे से इसको यहाँ पे पहले चेक कर लेना है, अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, उसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं इसके अबाउट पे चलता हूँ, तो सबसे नीचे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन कब आई थी, 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को एप्लीकेशन आई थी। अभी मई चल रहा, तो एक ही मंथ हुआ है एप्लीकेशन को आए को। तो यहाँ पे इसके डाउनलोड भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट कब हुई थी। अगर आपको लोन की नीड है तो आप इस एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हैं, जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।